हाय, आई एम मोहम्मद शादाब। मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन की गई थी 9 सितंबर को, जो कि मेरी हेयरलाइन काफ़ी पीछे थी। मैंने थोड़ी हेयरलाइन नीचे कराई थी। 9 सितंबर को मेरी सर्जरी हुई थी। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आप मेरी हेयरलाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। बीच में शेडिंग फेस का टाइम तो बहुत ही अजीब लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हेयर आएंगे नहीं आएंगे, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था उस टाइम पर। तो सब आकर बोल रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, मगर अब जाकर 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं, अब मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ है। अभी तो 6 मंथ में इतना अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि सब देख कर बोल रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो देखने में लग ही नहीं रहा, नेचुरल हेयर लग रहे हैं। I like to present case of Mr. Shadab. As we can see, he went for a hairline lowering procedure. He didn't have much baldness and had good density behind, but still he wanted to lower the hairline a bit. Now this is a final result. The point that I want to make is that these hair, when we are looking at a close up view, they have a lot of gaps. So in dry state it looks full. However, if we put water or if we put oil, then there will be spaces seen in this area. The other thing is, if he parts his hair in between, then we can see a lot of gaps. So the transplanted hair, they can be parted on this side or on this side or everything on the back. However, if parting is done in the center, in the mid area, then we can see a lot of gaps because the density of transplanted hair is not as good as native hair. Also, in the ugly duckling phase, also called the shedding phase, there was a lot of shedding and the area was looking totally empty. किसी को देखकर लग ही नहीं रहा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होया हुआ है, जबकि मेरा खुद का हेयर सैलून है। इतने क्लाइंट आते हैं वहाँ पर, किसी को भी लग नहीं रहा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो आज मैं यूजेनिक्स क्लिनिक आया हूँ अपनी फर्स्ट पीआरपी के लिए। तो देखते हैं अब पीआरपी के बाद कैसा रिजल्ट आएगा, और अभी तो रिजल्ट आना काफ़ी बाकी है। जो प्रॉपर रिजल्ट आता है वो आता है 12th मंथ में, और आप देख सकते हो मेरा डोनर एरिया भी बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। थैंक यू।